कल की क्लास में किसी को कोई इश्यू आया तो वो डिस्कस कर लें। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी सर, यस सर, आ रही है। किसी को कोई इश्यू आया कल तो वो बताएं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी स्टार्ट में है तो सब एक साथ चलें। चले नहीं है तो फिर आगे चलते। जी सर, मुझे आया था सर, वो जो आपने रेक्टेंगल पे एलिप्स रखा था ना सर, वो कैसे रखा था सर? वो मैंने करके देखा है लेकिन वो नहीं आ रहा, वो उसके बैक पे चला जाता था। वो सेंट्रलाइज किया था बेसिकली सर, वो दोबारा करके। हमने इस तरह एक रेक्टेंगल ली थी, इसने कोई कलर किया था, ठीक है, इधर से इस तरह, ठीक है। इसके बाद हमने एक लिप्स लिया था, ये वाला, इसको कोई कलर करना, ठीक है। तो इसको हम इन दोनों को, मतलब सर्कल को हमने इसके सेंटर में लेके आना था। दोनों को सिलेक्ट किया था, ये शिफ्ट से भी आप कर सकते हैं, बाद में हम शिफ्ट से सिलेक्ट किया। उसके बाद जिसके सेंटर में आपने लेके आना, उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, सिंपल राइट क्लिक किया, वो क्लिक किया। उसके बाद अलाइनमेंट के ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, उनको आप पहले हॉरिजेंटल कर लें। हॉरिजेंटल सेंटर हो गया, फिर उसके बाद वर्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह था सेंटर में किया। जी सर, ठीक है, रिपीट कर दें। ये था, इधर दो गेट हैं, मतलब अभी ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर ये एलिप्स को सेंटर करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे के लिहाज से आपने सेंट्रलाइज करना है, लेफ्ट किसी भी तरह, लेफ्ट लाइन, सेंटर या वर्टिकल, जैसे भी करना है वो कैसे करना है। दोनों को पहले एक बार सिलेक्ट कर लें, इस तरह भी कर सकते हैं हम, ड्रैग करके या शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जिसके सेंटर में आपने करना है उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है सिंपल, ठीक है। ये क्लिक किया तो इस तरह ये ब्लू भी हो गया, डबल लाइंस हो गई इसकी जिसको सिलेक्ट किया। उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद ये वर्टिकल है, तो दोनों सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें, ये रेड के सेंटर में करना है इसको, रेक्टेंगल को एलिप्स के सेंटर में करना है, तो फिर एलिप्स के ऊपर दो बार क्लिक कर लें, पहले हॉरिजॉन्टल कर दें फिर वर्टिकल कर दें, ठीक है, फिर इस तरह सेंटर हो जाएगा। इसका इलस्ट्रेटर की सेकंड क्लास है, कल हम पढ़ रहे थे इसका आर्ट बोर्ड का, आपने साइज जो है वो कैसे लेना है, इसका यूनिट कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो आज इसको थोड़ी सी और सेटिंग है, वो भी देख लेते हैं जो कल जाएगी थी सेटिंग। अच्छा, तो वो आज देख लेते हैं। ये आपके पास कार्डबोर्ड था, मीन्स के जिसके ऊपर आपने ड्राइंग करनी है सारी, इसका साइज हमने सेलेक्ट किया था वही है कल वाला ही, 1500 इसकी विड्थ है और 800 जो है इसकी हाइट है, ठीक है। 1500 और 800, सही है। तो इसके बाद ये था, आपने देखा कि इसकी आपको बाद में चेंज करना पड़ जाती है, कोई हाइट और विड्थ को आपने कैसे करनी है, वो इधर आर्ट बोर्ड के ऑप्शन में जाके तो आपके पास ये बॉक्स या प्रॉपर्टी बॉक्स पॉपअप आपके पास आ जाता है, इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये था, इसकी ओरिएंटेशन आपने चेंज करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, हाइट विड्थ इसकी। और इसकी अभी कस्टम है, आपके पास प्री सेट जो है आपने खुद से दिया हुआ है, तो आप कोई सा भी इसका साइज चेंज करना चाह रहे हैं, तो लेटर का, लीगल, टैबलेट, A4, जो सा भी आपने करना है, ये लेटर का हम करते हैं, तो ये साइज भी इसका चेंज हो जाएगा, ये देखो कुछ इस तरह से। आर्ट बोर्ड का ही हम पढ़ रहे थे, इसकी एडजस्टमेंट, इसका सेटिंग जो है, इसके ऑप्शन जो है वो क्या क्या हैं। दूसरा हमने इसका साइज़ करना है, आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अभी हमने इसकी विड्थ और हाइट जो है वो रखी हुई है 1500 और 800, अगर बाद में हमें चेंज करनी पड़ गई है
तो इधर आपके पास 8 नोड की सेटिंग आ रही है, उसके ऊपर एक बार ऑप्शन में जाएं, क्लिक करें, तो ये आपके पास सेटिंग सारी ओपन हो जाती है। ठीक है, इधर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यह भी आपका जो प्री सेट है वो दिया हुआ है आपको। अच्छा, इसका नेम आप चेंज कर सकते हैं, इसको Artboard 1 कह लें, Art 1 कह लें, जो भी कस्टम साइज है अभी जो आपने खुद से दिया। अच्छा, एक आर्ट बोर्ड हमने ले लिया, इसकी आपने देख ली के बाद में सेटिंग जो है वो करनी हो, इसके ऑप्शन में जाके सारे आपके पास विड्थ हाइट आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके प्री सेट आपको दिए हुए हैं, इसका साइज़ आपने कौन सा लेना है, A4, B4, लीगल, या जो सा भी आपने लेना है, एंड्रॉयड के लिए, वेब के लिए, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज अभी लेटर साइज़ करना है तो इधर से चेंज कर लें। ये देखें, विड्थ और हाइट भी चेंज हुई है, 792 612 हो गई। इसको ओके करेंगे तो ये साइज़ आ जाएगा आपके पास, लेकिन अभी ओरिजिनल साइज़ पे ही जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है आप ये भी आपको जो लेफ्ट आपकी मेन्यू है उसमें भी आर्ट बोर्ड के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट ओ से भी ओपन हो जाता है ये, और इसको प्रेस करेंगे तो ये आपके पास सेटिंग आ जाएगी। ये आपका जो आर्ट बोर्ड है वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये एक है, अभी आपने एक लिया हुआ था उधर से जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। एक नया आपने ऐड करना है किसी भी साइज का रैंडमली, तो वो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड ऐड हो गया। इसी तरह थर्ड ऐड करना है, तो पहले सेकंड जो ऐड हुआ इसका साइज़ आपने देखना है कि किस साइज़ का लिया है। जब आप ड्रैग कर रहे थे तब भी आपको शो हो रहा था, उसके बाद देखना है तो ये साइज़ है इसका, विड्थ है इसकी 490 और हाइट है इसकी 800। ठीक है, इसको आप चेंज करना चाहें बाद में वो भी कर सकते हैं, इसको ओके करें जो भी है। ठीक है, इसी को आपने कॉपी करना है तो इधर न्यू आर्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक करें, वही साइज़ आपके पास कॉपी भी हो जाएगा। ठीक है, कोई और ड्रैग करना चाहिए इसकी, सपोज आप हाइट और विड्थ कंट्रोल करना चाहें, इसी के ऊपर आएँ दोबारा, शिफ्ट ओ प्रेस कर लें या इधर से आगे कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास लाइंस भी हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, हाइट विड्थ इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर भी आपको शो हो रही है विड्थ और हाइट। ठीक है, तो ये भी लिखी हुई है 90 24, 924 और 1019। ठीक है, इधर से भी आप देख सकते हैं, बाद में आर्ट बोर्ड के ऑप्शन में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इधर नेम भी लिखा हुआ है कि आपने आर्ट बोर्ड 3 सेलेक्ट किया हुआ है, ये ऊपर नेम भी आ रहा है आर्ट बोर्ड 3। ठीक है, इसके बाद ओरिएंटेशन भी आपके पास शो हो रही है, लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है। ठीक है, इधर से भी आप चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट करें, लैंडस्केप करें, जो से भी आप यूज़ करना चाहें। इधर से भी है न्यू आर्ट बोर्ड इसी साइज का, अभी आपका थर्ड जो है वो सिलेक्टेड है, यही आप एक और ऐड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दें, ये ऐड हो गया फोर्थ। ठीक है, अभी आपका फोर्थ सिलेक्टेड है, इसकी आपको सारी कस्टमाइजेशन सारी सेटिंग जो है इधर पड़ी हुई है, इसको रीअरेंज करना है आपने। ठीक है, तो ये इसकी एक्स्ट्रा जो है सेटिंग्स है, इसमें कॉलम कितने हैं, इसका लेआउट, ये सब कुछ आपने चेंज करना है, कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा आपके पास। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं, तो दोबारा वापस जाते हैं। ये आर्ट बोर्ड आपका सिलेक्ट है नंबर 4, इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है शो हो रही हैं आपके पास। इसी तरह दोबारा इसमें वापस जाएं, कोई भी आप साइज इधर से कंट्रोल कर लें। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं चेंज। अभी आपने इसका यूनिट रखा है पिक्सल में, इसको चेंज करना चाहें किसी इंचीज में, फिट में, या यार्ड में, मिलीमीटर में, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करना है, इधर आपके पास होंगी अच्छा ठीक है, कोई सा भी आर्ट बोर्ड लें, अभी 4 सिलेक्टेड है, ये 4 नीचे सेलेक्ट है, और ये इधर देखें इसकी प्रॉपर्टीज आपको नज़र आ रही है, ये प्रॉपर्टी विंडो जो है वो नज़र आ रही है राइट साइड के ऊपर। इसमें जाएं तो यूनिट का लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, इसका यूनिट कौन सा रखा हुआ है, अभी आपने पिक्सल है
इसको चेंज करना चाहें पॉइंट्स में, फिट में, यार्ड्स में, मिलीमीटर्स में, इंचीज में, वो आप कर सकते हैं। अभी इसको इंचीज में करते हैं तो ये इंचीज में चला गया, ठीक है। आपका साइज वही रहा लेकिन इसका यूनिट जो है वो इंचीज में हो गया, ठीक है। वही इधर से ये भी आ रहा है एडिट आर्ट बोर्ड, इसको क्लिक करेंगे तो वही सेटिंग आपके पास ओपन हो जाएंगे जो इधर से आपने आर्ट बोर्ड से दी थी, और ये नीचे भी हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसकी सारी सेटिंग जो ऊपर शो हो रही वही इधर है, इसकी डायमेंशंस, इसका नेम, ठीक है। इसको कॉपी करना है या डिलीट करना है, डिलीट करेंगे इधर भी वही है, ये नीचे शो हो रहा है, ये भी वही है, इधर से भी आप डल कर सकते हैं इसको। अभी तो थर्ड वाला सिलेक्ट हो गया, आपने इंचीज इसका यूनिट रख लिया, तो अभी देखेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन इंचीज में शो हो रही है, वेट हाइट या इंचीज में, ठीक है। तो इधर से डायमेंशन वगैरह आपने देख ली हुई है सब कुछ, तो ये सारी सेटिंग थी इसकी कार्डबोर्ड की। इसका ड्यूरिंग वर्क आपने कोई चेंज करना है हाइट वेट, ठीक है। तो दूसरा क्या है, इनको आपने ड्रैग करना है, इनकी पोजीशन चेंज करनी है आपने। अभी आपने ये शिफ्ट ओ प्रेस किया हुआ है, मीन्स आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, इस तरह रीअरेंज कर सकते हैं। एक बार क्लिक करें इनको, जैसे भी आप करना चाहें एडजस्ट, ठीक है, रीअरेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जगह के ऊपर आप पोजीशन कर सकते हैं इनको, लेफ्ट राइट और बॉटम, जैसे भी आप करना चाहें वो आप इनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये रीअरेंज सबको आप कर सकते हैं इसी तरह, ये वाला इसका साइज इसके इक्वल करना चाह रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो जैसे भी आप इसकी सेटिंग रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। इसका साइज भी इधर ही एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। ये आर्ट बोर्ड की थी बेसिक्स, बेसिक सेटिंग्स। तो इसके बाद है कि आपने फाइल को जो है वो सेव कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, इसके डिफरेंट वेज हैं। डॉक्यूमेंट्स को आपने सेव कैसे करना है ये देख लेते हैं। अभी आपके पास मल्टीपल हैं, सिंगल के लिए भी इसी तरह हम इनको कर लेते हैं, लास्ट वाले टू को डिलीट करते हैं। अभी आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट एक ही है, कार्डबोर्ड भी एक ही है। इसको सेव कैसे करना है, ये फाइल में आए, ठीक है। अभी आपके पास कोई है नहीं है, थोड़ी सी कोई ड्राइंग भी कर लेते हैं इसके ऊपर, ये सिंपल एक रेक्टेंगल ही ड्रा कर लेते हैं। किसी को सपोज ये थ्री लाइंस ही हैं, इनको आपने सेव करना है, या आपकी कोई भी ड्राइंग है, ठीक है। फाइल सेव लिखा हुआ, सेव एज लिखा हुआ, सेव एज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इधर ये आपके पास आ जाएगी विंडो के सेव कहाँ पे करना है, ठीक है। जिस तरह आम डॉक्यूमेंट आप सेव करते हैं उसी तरह बिल्कुल, ये इधर इसका फोल्डर न्यू बना लेते हैं, ये फोल्डर बना लिया क्लास टू, ये आपके है प्रोजेक्ट का नेम होगा, जब भी क्लास टू रखा है इसको लेक्चर टू कर दें, ठीक है। इसको सेव किया, ये नीचे अगर देखें आप सेव एज फाइल, सेव कौन सा करना है आपने, लिस्टेटर में करना है, पीडीएफ में करना है, ईपीएस करना है, लिस्टेटर टेम्पलेट में करना है, एसवीजी, एसवीजी कंप्रेस्ड। अभी हम लिस्टेटर और ईपीएस को देखते हैं, लिस्टेटर भी करना है तो एआई हो गया आपके पास, ठीक है। इसको सेव करते हैं तो आपकी फाइल सेव हो गई है, ठीक है। सेव, सॉरी ये अभी इसने पूछा, ये अभी सेव हुई है, तो सेव किधर हुई है,
भी स्लो हो रहा है। अच्छा वो उधर सेव हो गई है, तो देखते हैं। तो अभी इसको आपने एक्सपोर्ट करना है, सेव हो गई है आपकी सोर्स फाइल जो है वो सेव हो गई है, जो एडिटेबल फाइल। अभी इसको एक्सपोर्ट करना है, PNG में करना है आपने, JPG में करना है। इसके एक्सपोर्ट के आगे भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन करना है, एक्सपोर्ट एज करना है, एक्सपोर्ट फॉर वेब करना है। ठीक है, अभी एक्सपोर्ट एज करते हैं हम। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं आपको ये काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। ऑटो कैड की ड्राइंग है, उसकी फाइल में सेव करना है, JPG में करना है, PNG में, फोटोशॉप की फाइल में करना है, या जिसमें भी करना है। तो अभी हम PNG में कर रहे हैं। तो नीचे ही आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि यूज़ आर्ट बोर्ड। अभी हमारे पास एक ही आर्ट बोर्ड है, इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, कि जितने भी आर्ट बोर्ड हैं उनके ऊपर जितनी भी ड्राइंग है सबको सेव करना है, यूज़ आर्ट बोर्ड। अभी हम इसको सेव करेंगे, ये हमने प्रेस किया है तो ये आपके पास विंडो आ जाएगी, PNG ऑप्शंस आ गए। PNG ऑप्शन आई है आपके पास, इधर आपसे पूछने के आपने इसकी रेजोल्यूशन कितनी रखनी है। तो कल भी देखा था इसकी रेजोल्यूशन अभी 72 के ऊपर है, 4:18, 36, 72, मीडियम 150, और जो हाई है वो 300 PPI, पिक्सल पर इंच। ठीक है, जो से भी आप सिलेक्ट करवाएं, ये साइज़ है इसकी, रेजोल्यूशन है, वो इधर से कंट्रोल होगी। ठीक है, ये वाली ऐसी रहने देना, टाइप ऑप्टिमाइज्ड। उसके बाद ये प्रीव्यू आपके पास आ रहा है, बैकग्राउंड कलर पूछ रहा है कि बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना है। इसके तीन ऑप्शन, वाइट, वाइट करेंगे तो बैकग्राउंड वाइट हो गया, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ट्रांसपेरेंट फाइल सेव होगी, मीन्स कि कोई बैकग्राउंड नहीं है। अभी हम वाइट नहीं कर रहे हैं सेव, तो आप इस तरह इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं, आपकी ये फाइल सेव हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह आपकी फाइल सेव हो जाएगी, जो आपने इसका फोल्डर सेलेक्ट करवाया। अभी आपके साथ ये स्क्रीन शेयर है इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो गया, जो भी आपने फोल्डर सेलेक्ट करवाया वो तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर मल्टीपल हैं, ये आर्ट बोर्ड है, इसी की कॉपीज कर लेते हैं, जैसे 1, 2 कॉपीज। ठीक है, तो इनके ऊपर आप डिफरेंट ड्राइंग करना चाहें, इधर लिप्स ले लें, इसको सेंटर कर लें, एक और ले लें, छोटा कर लेते हैं। कॉपी ही है। एंटर में कर लेते हैं, और इसी तरह ये थर्ड वाली है, इधर भी इस कर लेते हैं। थर्ड आया बस, थर्ड का कलर भी यही कर देते हैं, या कोई और कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपके पास तीन आर्ट बोर्ड हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, इनको सेव करना है, वो कैसे करेंगे आप, एक्सपोर्ट करना है या सेव करना है। अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सेव करना है, मतलब सेव एज भी आप कर सकते हैं जाके, अभी मैंने कर दिया हुआ है। सेव एज करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, सपोज इसको हम करते हैं 2.1, पहले एक आर्ट बोर्ड था, अभी तीन हमने लिए हैं। इसको सेव करना है तो आपके पास विंडो आ जाएगी। ठीक है, कि आपने अलग अलग फाइल में करना है या एक के अंदर ही करना है। ठीक है, ये सिस्टम थोड़ा स्लो है शेयरिंग की। स्क्रीन शेयर है इस वजह से ये स्लो हो गया शायद।
टूट जाए क्या? क्या हो गया इसे? ठीक है, इसी तरह बिल्कुल है कि आपने सेव एज करना है। उधर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि जो आपके सारे आर्ट बोर्ड हैं एक ही फाइल के अंदर सेव करना है इसको या मल्टीपल में करना है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह सेव एज कर सकते हैं। तो जो आपने एक्सपोर्ट करना है उधर भी सेम ऑप्शन है, आप नीचे से पेज सिलेक्ट करा लें तो सिस्टम स्टक हो गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, आपने सेव करना है तो ये आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं कि आपने किस फाइल में करना है। इलस्ट्रेटर के ऑप्शन आ गए हैं, इलस्ट्रेटर 2020 में ही हम कर रहे हैं सेव, तो ओके करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो गई है। ठीक है, तो अभी इनको एक्सपोर्ट करते हैं भले सेव है। तो अभी एक्सपोर्ट करेंगे तो नीचे आपके पास ये आल के ऊपर है, आपका जो सर्कल है आल के ऊपर है, आल के ऊपर अगर तीनों तीनों आर्ट बोर्ड जो हैं वो आउट होंगे पीएनजी में, 1 2 3 जितने भी हैं इधर विंडोज। अगर आप ये नीचे आपको रेंज नज़र आ रही है, रेंज करेंगे कि 1 से 3 करना है, 1 से 2 करना है। ठीक है, अभी हम सारे करते हैं आल, तो इसको एक्सपोर्ट करते हैं वाइट में ही, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, वाइट के अंदर ये अगर इधर देखें, ये हमारे पास इलस्ट्रेटर का था किधर देखते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपके साथ शेयर है तो ठीक है, ये लेक्चर 2.1 2.12 और ये 3, ये तीनों आपके पास रिजल्ट आए हैं, 1 2 और ये वाला 3, ये पहले का था 1। ठीक है, अभी आपके पास तीनों एक्सपोर्ट हो गए हैं जब आपके ऊपर क्लिक था। तो अभी आप देखें इसको एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट एज, तो अभी आप इसको रेंज दे लें कोई, मतलब कि हमें 1 से 2 चाहिए, 1 से 3 है तो इट मीन्स सारे के सारे होंगे 1 से 3 तक। अभी इसको 1 से 2 करें तो 2 आपके पास आएंगे, शेयर होंगे रिजल्ट इसके। ठीक है, इसको न्यू फोल्डर में कर लेते हैं या इसका नेम चेंज कर लेते हैं, 2 आर्ट बोर्ड इसको कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी हमारे पास इसी नेम का, इसलिए नेम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसको सेव किया है। तो ये देखें अभी आपके पास सिर्फ 2 रिजल्ट आए हैं, 1 और ये 2। ठीक है, ये वाली स्क्रीन शेयर है आपके साथ फोल्डर वाली? जी सर शेयर है। ओके ओके ओके, तो ये आपके पास 2 रिजल्ट आ गए हैं, जितनी आपने रेंज दी है वो सिलेक्ट हो गए। ठीक है, इस तरह से तो पहले वाले अगर देखें आप, तो उधर आपके पास 3 थे, 1 2 और 3। ठीक है, इस तरह आपने फाइल को सेव करना है, डॉक्यूमेंट को अपने को सेव करना है। इसी तरह सेव है स्क्रीन के होते हैं एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, जो एसेट्स आप एक्सपोर करते हैं, जिस तरह मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं या वेब के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उधर इस तरह से आप शो हो रहे होते हैं। ये एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन करेंगे तो इसके डिफरेंट साइजेस इधर आपके पास अवेलेबल होंगे, जिस तरह मोबाइल जो आपका एंड्रॉयड है उसके अंदर डिफरेंट साइजेस हैं, तकरीबन 5 साइज उसके अंदर होते हैं, 3 होते हैं, 3 साइज होते हैं। ठीक है, ये अभी आपके पास है फॉर्मेट, कौन से iOS के लिए आपने करना है सेव या एंड्रॉयड के लिए करना है। एंड्रॉयड के लिए करेंगे आप तो इसको भी क्रॉस करते हैं, एंड्रॉयड के लिए करेंगे तो उसके आपको डिफरेंट साइज मिलेंगे, 3 उसके साइज़ होते हैं, तो नीचे भी शो हो रहे होंगे 5, सॉरी एंड्रॉयड के लिए 5 हैं, iOS के लिए 3 हैं, जिस तरह LDPI MDPI मीडियम
लार्ज, मीडियम, हाई क्वालिटी और एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज मल्टीपल। तो ये इसके साइज़ हैं सारे एंड्रॉयड के। इधर आए तो आईओएस के आपके पास साइज़ हैं। ये उस चीज़ के लिए मीन कि आपने वेब की कर रहे हैं डिज़ाइनिंग या मोबाइल ऐप की डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जब आप ऊपर से एसेट्स उठा के देते हैं, एसेट क्या चीज़ है, जो भी आपने सपोज ये लोगो बनाया हुआ है, इसी को ले लिए जो सेकंड वाला है, ये लोगो है, इसको आपने जो एंड्रॉयड की डेवलपमेंट है उसके 5 साइज़ डिफरेंट होते हैं, ये जिस तरह आपके पास शो करते हैं LDPI, MDPI, 5 या 6 जितने भी MDPI, FDPI, ये सारे उसके साइज़ हैं, ठीक है। इसको एक बार आप क्लिक करेंगे एंड्रॉयड को, तो ये आपको फॉर्मेट दे देंगे बाई डिफ़ॉल्ट जो इधर पड़े हुए हैं। इसको एक बार सेव करेंगे तो एंड्रॉयड के सारे साइज़ एक्सपोर्ट हो जाएंगे, जितने भी डेवलपमेंट में चाहिए होंगे साइज़ वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे। iOS के ऊपर करेंगे तो iOS के आपके पास 3 साइज़ होते हैं, 1x, 2x और 3x। अब भी एंड्रॉयड के लिए एक्सपोर्ट करके लेते हैं, यही एसेट्स करने हैं एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। फोल्डर आपका यही है, इसका चेंज करना चाहें आप न्यू फोल्डर, इधर एंड्रॉयड का नेम होता है, एंड्रॉयड एसेट्स एक्सपोर्ट करने हैं आपने। ये फोल्डर सेलेक्ट हो गया, सिलेक्ट फोल्डर, तो अभी आप एक्सपोर्ट आर्ट ग्रो करेंगे तो सारे आपके 5 डिफरेंट साइज़ के फोल्डर बन जाएंगे, ठीक है। हर एक में ये तीनों इमेजेस आपके पड़े होंगे, इनके 3। ये आपके पास आ भी गया है, ये एंड्रॉयड के सारे साइज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइज़ आ गए हैं एंड्रॉयड के। ये 0.75 स्क्रीन के लिए, ये 1.5, 1 के लिए, 2 के लिए, जो डेवलपर हैं एंड्रॉयड की डेवलपमेंट करते हैं उनको चाहिए होते हैं। अगर आपने लोगो बनाया तो सारे साइज़ के लोगो, तमाम साइज़ के लोगो उनको चाहिए। इसको ओपन करें तो इसमें तीनों आपकी पड़ी हुई हैं ड्राइंग, इसको करें तीनों इधर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये इसी तरह ये नीचे वाले फ्रक्स बड़ा साइज जो है सबसे, इसको करेंगे तो ये सारे साइजेस इधर पड़े हुए हैं, तीनों के तीनों आपको लोगो इधर पड़े हुए हैं। इसी तरह iOS के लिए एक्सपोर्ट स्क्रीन करें तो आपने iOS के लिए करना, इन जो आपकी डेवलपमेंट है आईफोन की ऐप हैं उनके लिए आपने एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए 2 साइजेस हैं, 1x, 2x, 3x, 3 साइजेस हैं, ठीक है। इसका फोल्डर चेंज कर दें, डेरा रख लें कि iOS के लिए जो फोल्डर सेलेक्ट करवाया और इसको आप कर सकते हैं। मतलब ये कब यूज़ होना है, जब आपने डेवलपर्स को चीज़ें देनी है, मतलब आपने कोई लोगो बनाया, कोई डिज़ाइन बनाया, कोई ऐप डिज़ाइन की है, तो आपने एंड्रॉयड के डेवलपर को अपनी चीज़ें देनी है, एसेट्स देने हैं। स्लाइसिंग कहते हैं बेसिकली, तो स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग क्या चीज़ है कि आपने डेवलपमेंट के लिए अपने जो चीज़ें डिज़ाइन की हैं वो आगे फॉरवर्ड करनी है डिवेलपर को, ठीक है। तो उनको सारे साइज चाहिए होते हैं, जिस तरह iOS के 3 साइज़ होते हैं, 1x, 2x, 3x, इसी तरह एंड्रॉयड के 5-6 साइज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट स्क्रीन के लिए, तो आप इस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास iOS के लिए साइज़ आए हैं, 1x में देखें इसमें तीनों पड़े हुए हैं, ठीक है। साइज़ 2x में भी तीनों पड़े हुए हैं, इसी तरह 3x में पड़े हैं, और SVG फाइल है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, ये भी आप दे सकते हैं सर अगर उसे चाहिए, ठीक है। सर ये एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन का था ऑप्शन, इधर ही एक बार दोबारा चलते हैं एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, इसमें से आप जो नहीं चाहिए उनको आप अनचेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इधर आल रेंज, जो भी आप रेंज लगाना चाहें आल करेंगे तो सारे आ जाएंगे, जो 3 है, मतलब आपने जो भी सिलेक्ट किया वो इधर भी आ रहा है, 3 कर लिया है, 2 कर लिया है, 1 से 3 हो गया, ये 1 से 2 हो गया, रेंज भी इधर चेंज हो गई, ठीक है। ये आपको सारा पता चल गया, इनकी अभी नहीं ज़रूरत, इसको कैंसिल करते हैं। नीचे जाएँ तो आपके पास एक्सपोर्ट फॉर वेब, ये आप वेब के लिए है, वेब के लिए कोई फाइल्स आपने सेव करनी है, कोई अपनी डिज़ाइनिंग सेव करनी है, तो उसके इधर ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। इधर नेम कोई नहीं नेम लिखा हुआ,
इसकी टाइप्स आ रही हैं कि आपने इमेज जो है या अपनी ड्राइंग है वो किस चीज़ में सेव की है, JPG, PNG, PNG 24, GIF, ठीक है, इनमें करनी है किसी में भी, तो वो आप करवा सकते हैं। अभी हम इसको क्या करते हैं, PNG 8 में करते हैं। ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए या नहीं चाहिए इधर से हम चेक कर सकते हैं, मीन्स इसकी बैकग्राउंड चाहिए या नहीं। अभी इसको हम चेक करेंगे तो वाइट आ जाएगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये विड्थ हाइट भी लिखी हुई है कि आपने कितनी रखनी है, तो वही है विड्थ हाइट जो आपके कैनवस साइज की और बोर्ड की है, तो इधर, ठीक है। बाकी चीज़ें नहीं है, ये देखें सिर्फ आप कि वेब के लिए करना है तो ये ऑप्शन आपके साथ में, ठीक है। अभी PNG 8 में कर रहे हैं, इसको सेव करेंगे, ठीक है। ये आगे से फोल्डर फॉर वेब इधर लिख लेते हैं, वेब के लिए हम ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसको डबल क्लिक कर लें ये, और इसको सेव करें। अभी इसका रिजल्ट देखें, फॉर वेब तो ये एक ही आपने सेलेक्ट करा था, वेब के लिए इसका ये रिजल्ट है। इसकी बैकग्राउंड नहीं थी, हमने जो चेक किया हुआ था कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अभी आपको वाइट ही नज़र आ रहा, तो इसको आप कॉपी कर लें और लिस्ट एडिटर में ओपन कर लें जो आपका रिजल्ट आया, ठीक है। आपने ट्रांसपेरेंसी सॉरी अनचेक कर दी थी, ठीक है। तो इसी तरह ट्रांसपेरेंट करना, उसको सेव फॉर वेब, ठीक है। तो अभी ये बैकग्राउंड के अच्छा डाउट बैकग्राउंड है, ऐसे पता नहीं क्यों शो कर रहा है, इधर भी नज़र आ रहा है कि बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। पहले हमने किया हुआ है, ठीक है। ये इनके बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है, इधर आके वाइट हो जाती है इस तरह से, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आपने अप्लाई की हुई है, सही। इधर से आप चेक कर सकते हैं कि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। दूसरा क्यों नहीं शो हुआ, उसको भी एक बार देख लेते हैं। स्पोर्ट फॉरवर्ड लगे सी ट्रांसपेरेंसी करनी है, ये वो ट्रांसपेरेंट ही है, लेकिन इधर लिस्ट में जो है ना शो हो रहा है आपके पास, जैसे वाइट बैकग्राउंड इसका लगा है, ठीक है। तो ये था कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करना है डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर, फॉर एंड्रॉयड, iOS या वेब के लिए एक्सपोर्ट के ऑप्शन वन बाई वन जो है हमने देखे, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, अगर ये ट्रांसपेरेंसी चेक है तो बैकग्राउंड इसका नहीं है, ठीक है। लिख भी लेते हैं ट्रांसपेरेंट, ये आपके पास आया है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जरा आगे भी ऐसे बिल्कुल है ये ट्रांसपेरेंट ही, लेकिन स्टेटस में ले के आ रहे हैं तो ये वेब के लिए इधर कर रहा है, आपको बैकग्राउंड शो कर रहा है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो इस तरह आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सेव कर सकते हैं एंड्रॉयड, iOS और सिंपल स्क्रीन के लिए। आपने डिफरेंट शेप्स कल भी देख चुकी थी, तो आज भी एक बार इनको क्विकली देखते हैं।
इनकी कुछ चीज़ें रह गई थी कल, जिस तरह हमने ये की थी रिक्टेंगल ड्रा, ठीक है, इसको सेंटर में करते हैं, ठीक है। तो इसको आपने जिस तरह भी करना था, कस्टमाइज करना था, इसको कर्व करना था, वो आप इजीली कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी ऊपर आपको शो हो रही हैं, ठीक है। आपने इसके कॉर्नर्स राउंड करने थे, वो इस तरह से अगर मल्टीपल करने थे तो मल्टीपल आप क्लिक करते थे, देखें ब्लू भी हो गया शिफ्ट से, पर मल्टीपल आपने करने अराउंड इट तो शिफ्ट करके वन बाई वन क्लिक करने, ठीक है। ये क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया और ये सेकंड कर लिया सेलेक्टिव। इस तरह एडवांस करने हैं सारे के सारे, तो किसी एक को आप इस तरह ड्रैग कर लें तो आपका ये सर्कल सा बन जाएगा, ठीक है। चारों कॉर्नर जो हैं वो राउंडेड हो गए, ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद आपने कुछ ड्रा करना है इसको यूज़ करते हुए, अपनी शेप, बेसिक शेप को यूज़ करते हुए, और ये इनके एंकर पॉइंट्स जो हैं इनको यूज़ करते हुए कुछ ड्राइंग करनी है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं इसको। अभी कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं इधर सिंपल सा, ये एक ले लिया एलिप्स सर्कल, इसका इनर कलर जो है वो ख़त्म कर लेते हैं और स्ट्रोक इसको दे लेते हैं सिर्फ, ये ख़त्म किया और इसको स्ट्रोक ले लिया 8 पिक्सल का, ठीक है, 8 पिक्सल का स्ट्रोक। अच्छा, आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, मीन के जो आउटलाइन कलर है ये फिल कर सकते हैं और इसके, ठीक है। ये अभी आपके पास 2 कलर हैं, तो अपने कीबोर्ड से आप अगर प्रेस करेंगे शिफ्ट एक्स, ठीक है, तो आपके कलर जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, मीन्स ब्लैक जो है वो इनसाइड आ जाएगा और येलो आउटसाइड हो जाएगा अगर कीबोर्ड से शिफ्ट एक्स प्रेस करेंगे तो, ठीक है। अगर आपके पास एक ही कलर है, ये देखें एक कलर है, तो इसको आप शिफ्ट एक्स करें तो कलर फिल हो जाएगा, आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अभी इसको शिफ्ट एक्स करते हैं और आउटलाइन का साइज ये रख लेते हैं 12, ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा थिन करते हैं, कोई सी भी आप ड्राइंग करना चाहें, बेसिक सी कोई अभी चलें इस तरह से, ये कोई आपने पॉलीगॉन ले ली है, 3 कॉर्नर्स वाली हमें चाहिए इस तरह, ठीक। इस तरह से इसको सेंटर कर लेते हैं आप बोर्ड के सेंटर में, दोनों को थोड़ा सा नीचे, ये आप बोर्ड यूज कर रहे हैं इधर, ये बेसिक पर्पज़ आपको बताने के इधर ये है कि आपने शेप्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो कैसे डिज़ाइन करनी है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैसे डिज़ाइन करना है, ये बेसिक से सिंपल से करने लगे हैं। अभी फिलहाल एक ही रहने देते हैं, तो ये आपके पास शो हो रहा है एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, इसको ले लें। या आपके पास होता है एक पेंसिल टूल, ठीक है, पेंसिल टूल क्या है, आपकी कोई सी भी जिस तरह ये राइटिंग स्टाइल है पेंसिल से जैसे लिखते हैं उसी तरह, इसको एन प्रेस करके या इधर से आके आप क्लिक कर लें, ठीक है, कुछ इस तरह भी आप ड्राइंग करना चाह रहे हैं, कैट सी बनी होती है वो बना के देख रहे हैं, ठीक है। आप इसको सही भी कर सकते हैं, क्विकली देख लेते हैं, ठीक है, इनको ग्रुप कर देते हैं कंट्रोल जी से सबको, ठीक है, और दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये आपके पास है, यही चीज़ है सेम, इसको कॉपी करना है जिस तरह आपने कोरल में देखा था, तो आप मिरर कर रहे थे, तो लिस्ट के पास ऑप्शन होता है इसको ट्रांसफॉर्म करने का, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट करने का, रिफ्लेक्ट आपने हॉरिजेंटल करना है या वर्टिकल लेफ्ट करना है, राइट करना है, जैसे भी,
आपके पास आगे ओरिजेंटल है, वर्टिकल है, वर्टिकल करेंगे कुछ इस तरह, ओरिजेंटल करेंगे तो ऐसे, इसकी एक कॉपी कर उसको हम जैसे उधर मिरर करते थे, ठीक है, इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अभी एक और लिच ले लेते हैं इस तरह से, इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक कलर फिल और एक और लिच लेते हैं। ये कॉपी पेस्ट किया है, जो एक और सर्कल लिया है कॉपी पेस्ट किया है कंट्रोल सी और वी से, दोनों को ग्रुप कर लें और इसी की एक कॉपी जो है वो उधर कर लें आप, ग्रुप करके कंट्रोल सी और एफ एक और कॉपी कर लिए इसकी फ्रंट के ऊपर, ठीक है, इसको इधर कर लें। ये कुछ इस तरह कैट सी जो है बन गई है, ठीक है। ये शेप सी यूज़ हो रही है बेसिक, और कोई जो है टूल को यूज़ नहीं हुआ। इसकी टेल रह गई है, टेल भी शेप सी ड्रा करते हैं, ये आप ले लें। इसका बॉर्डर जो है यही रखना है, तो आप ड्रॉपर से इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, इसको इधर लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं या इस तरह अगर करना है तो, ठीक है, एक बार इसको एडजस्ट कर लें। तो इसके कॉर्नर जो है वो आप राउंडेड कर दें, टू दो कॉर्नर, ठीक है, इस तरह से, और शेप्स को यूज करते हुए ड्राइंग कुछ भी चीज़ है, आपने कोई भी चीज़ जो है सिंपल, बिल्कुल सिंपल ये जा रही है कुछ, इसमें जो है हमने कटिंग टूल जो है हमारे खेजर टूल्स हैं वो यूज़ नहीं किए, सिंपल सिर्फ तीन चार शेप्स लिए हैं। कोई सी भी आप इसकी ड्राइंग करना चाहें जैसे भी वो आप कर सकते हैं, ये कैड या वैसे ही आपको शेप टूल का यूज़ करने के लिए, ठीक है, और कोई टूल यूज़ नहीं किया, सिर्फ शेप टूल, तो इसके अलावा कुछ भी जो है ड्राइंग कर सकते हैं। कल जो पढ़ा था कि इसके एंकर पॉइंट जो है वो हमने राउंडेड कैसे करने हैं, ठीक है, उनके लिए इसी तरह ये वाला करना चाहें कॉर्नर राउंड, तो ये भी कुछ ऐसे आप कर सकते हैं, वो फनी सी वो डांसिंग टाइप सी है उस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये थी बेसिक शेप, से मेरे को कलर करना हो आपने वो कर सकते हैं, ठीक है, कलर फिल करना हो वन बाई वन इनमें कलर आप फिल कर दें कुछ इस तरह से, ठीक है, इसके अंदर करना चाहें कलर, ठीक है, टेल में करना चाहें जैसे भी आप इसकी ड्राइंग करना चाहें, बिल्कुल सिंपल सी एक शेप ड्रा की, और टेल आप ऐसे करली सी भी बना सकते हैं, लेकिन अभी ये फिलहाल हमने क्विक बनाई है, तो शेप्स को हमने कैसे जो है हल करना है, कैसे चेंज करना है जो भी हमने ड्रा किया, ठीक है। इसी तरह कोई और लोगो टाइप ले इस तरह से, इसका बॉर्डर ख़त्म कर देते हैं, जो भी आप ड्रा करना है इसको जूम करते हैं, ठीक है। ये वही शेप टूल्स या कोई भी इसका कॉर्नर जो है वो अप या डाउन करना चाहते हैं, पहले क्या करेंगे एक बार क्लिक कर लें, ये भी मैंने किया है टॉप लेफ्ट के ऊपर एक बार क्लिक, ये ब्लू हो गया, इसको अपने कीबोर्ड से कीबोर्ड का जो डाउन एरो है मैंने प्रेस किया, तो ये देखो इसकी शेप इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, एरो डाउन हो गए। इसी तरह ये वाला करना चाहें तो क्लिक कर लें और एरो इसको अप करना चाहें, ठीक है, ये इसी तरह जैसे बिल्कुल आपने जो है वो कट किया हुआ है पाथ फाइंडर टूल से या शेप बिल्डर टूल से, लेकिन अभी हम उनकी तरफ देंगे, ये सिर्फ शेप्स के अंदर जो पॉइंट्स हैं एंकर पॉइंट्स उनको यूज़ कर लें, ठीक है, उनको चेंज कर लें। इसी तरह इसका कोई करना चाहें
बिल्कुल ऐसे ही है, क्लिक करके एक बार फिर कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियर नजर आए। इसी तरह ये कुछ ड्रा नहीं कर रहे, वैसे ही आपको कि आप कीबोर्ड से जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक बार आप सिर्फ सिंपल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये इसकी स्पीड जो है बिल्कुल कम होगी। इसी तरह अगर शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो स्पीड जो है कुछ इस तरह से आएगी, ये पॉइंट्स में नीचे आएगा, ठीक है। इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह ये वाली आपने अप करनी है तो शिफ्ट प्रेस करके आप इसको अप डाउन एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये है इनकी साइज, इनको आप करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये था एरो से आपने कैसे कंट्रोल करना है। तो अगर आप इसको माउस से करना चाहें एक बार क्लिक कर लें और इसको ड्रैग कर दें जिधर भी आप करना चाहें, ठीक है। जैसे भी आप करना चाहें जिधर भी वो आप ड्रैग कर सकते हैं। इसी तरह ये वाली है, इसको इसके साथ मिलाना चाहें माउस से आप सिंपल इसकी कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया है, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, ठीक है। इसी तरह ये है, इसको यहाँ पे लेके आना है, ये चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करना है, ऊपर लेके आना। इसी तरह ये है, इसको इधर मिलाना है। तो ये शेप टूल को यूज़ करते हुए आपने जैसे भी इन पे नोड के साथ एंकर पॉइंट के साथ इनको एडजस्ट करना है कहीं पे भी, वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल जिस तरह कल हमने देखी थी इसको एडजस्ट करना है। अच्छा, इसके अगर आपने दो कॉर्नर्स मूव करवाने हैं दोनों के ऊपर क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और लेफ्ट पे जाना है तो लेफ्ट प्रेस कर लें इस तरह, ठीक है। राइट पे जाना है तो राइट प्रेस कर लें जिधर भी आप अपनी शेप को मूव करवाना चाहें। अप जाना है तो वही आपके दो जो सिलेक्टेड हैं नोड्स एंकर पॉइंट सिलेक्टेड हैं वही ऊपर हो रहे हैं दोनों, ठीक है। नीचे आना है तो दोनों वही हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है। इसी तरह ये नीचे वाले हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लें शिफ्ट प्रेस करके वन बाई वन तो ये मूव होंगे, ठीक है। जिधर भी आप करना चाहें नीचे ऊपर, ठीक है, लेफ्ट और ये राइट, जैसे भी करना चाहें आप, ठीक है। इसी तरह इसका कोई बॉर्डर लगा हुआ है, आउटलाइन लगी हुई है, स्ट्रोक जो भी आप कहना चाहें वो लगा हुआ है, वो भी ऐसे मूव होगा। आप क्लिक कर लेंगे एक बार वो भी साथ ही मूव होगा। ये शेप्स की बिल्कुल बेसिक ड्राइंग विद एंकर पॉइंट्स एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ तक सबको विद एंकर पॉइंट्स, और कोई टूल हमने यूज नहीं किया, शेप की एडजस्टमेंट है विद एंकर पॉइंट। तो पहले जो हमने ड्राइंग की है ये सिंपल हमने क्या किया है, शेप्स ली हैं और उनको एंकर पॉइंट्स को यूज़ करते हुए उनकी कॉर्नर जो है राउंड किए हैं या उनको मूव करवाया किसी भी डायरेक्शन में, या अपने माउस से एंकर पॉइंट सेलेक्ट करवा के उसको जो है हमने मूवमेंट दे दिया लेफ्ट राइट और बॉटम, जैसे कि आपने उनको एडजस्ट करना। तो आगे आपके पास शेप बिल्डर टूल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, ठीक है। मल्टीपल शेप्स को मर्ज करने के लिए, उनकी कटिंग करने के लिए डिफरेंट वेज है, ये आपका शेप बिल्डर टूल जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। अभी हम करके भी देख लेते हैं। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, बेसिक रेक्टेंगल हमने बहुत ज़्यादा यूज़ की है तो इससे आपने बोर नहीं होना, ठीक है। ये आपके पास है, इधर एक एलिप्स ले लें सर्कल, ठीक है। इसका सेंटर जो है वो कॉर्नर पे कर लेते हैं, इसी तरह मल्टीपल कॉपीज कर लेते हैं। अच्छा, कॉपी करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आप आल्ट प्रेस करें और इसको सिंपली आप ड्रैग कर सकते हैं। आल्ट प्रेस करके सेंटर में, मतलब जो इसका पॉइंट है मिड पॉइंट, आल्ट प्रेस करें और उसको सिंपली ड्रैग करें आप, तो इसकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है।
इसी तरह आपने इधर करना है कॉपी। कॉपी करने के डिफरेंट वेज हैं, आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कर सकते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल डी इनसे कर सकते हैं, बी से एफ से कर सकते हैं, इनके डिफरेंट यूजेज हैं वो भी आपको बताता हूँ। अगर सी और वी करेंगे, ये अभी करना है कंट्रोल सी और वी, ठीक है, तो ये कॉपी हो जाएगी रैंडम, किसी भी जगह के ऊपर कॉपी थ्रो कर देगा, ठीक है। अगर करेंगे आप कंट्रोल सी और एफ से, ठीक है, कंट्रोल सी और एफ से किया तो आपकी कॉपी होगी फ्रंट साइड पे, ठीक है। ये देखें आप, ये ऑब्जेक्ट कॉपी किया तो ये फ्रंट साइड पे कॉपी होगा, ठीक है। इसी तरह आप करेंगे कंट्रोल सी और बी से, ये अभी नहीं किया, कंट्रोल सी और बी से किया तो आपका ऑब्जेक्ट कॉपी होगा बैक साइड पे, जो न्यू ऑब्जेक्ट है वो बैक साइड पे कॉपी हुआ, ये वाला, ये सेकंड जो नीचे पड़ा हुआ ये कॉपी हो गया है, ठीक है। तो ये कॉपी करने के डिफरेंट वेज हैं, तो आप आर्ट प्रेस करके अपनी मर्जी से किसी भी जगह के ऊपर ड्रैग कर सकते हैं, तब भी कॉपी हो जाती है, ठीक है। अभी इसके मिड में क्लिक किया एक बार और इसको इधर ले आए जहाँ पे भी आपने इसको एडजस्ट करना, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अभी हम क्या करने लगे थे, शेप बिल्डर टूल का जो है यूज़ वो देखने लगे थे, इन सबको सेलेक्ट करें। शेप बिल्डर टूल जो है आप शिफ्ट एम से प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट है इसका, या फिर इधर आपको नज़र आ रहा होगा ये शेप बिल्डर टूल शिफ्ट एम, ठीक है, इधर से भी आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनको एक बार कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, अभी मैं इनका जो आउटलाइन है वो ख़त्म कर रहा हूँ और इनको फिल करते हैं, ये कटिंग हो गई है इसकी। कॉर्नर पहले कट हो गया इसलिए, ठीक है, इनको डिफरेंट कलर करते हैं सबको, वन बाई वन इनका कलर चेंज करते हैं। उसके बाद ऑफलाइन से क्यों नहीं किया वो भी आपको बाद में बता देता हूँ। ये है, इन सबको सिलेक्ट करें, तो अभी आप अपना लेके आए जो शेप बिल्डर जो है ये पड़ा हुआ, ठीक है, माइक म्यूट कर लें जिसका भी है, ठीक है। ये आपने शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट किया, तो ये देखेंगे जहाँ से भी आपको ये इंटरसेक्शन नज़र आ रही है डिफरेंट एरियाज की, ठीक है। अगर तो आप अपने माउस से सिंपली क्लिक करें या ड्रैग करें, ये अभी इसके ऊपर सिंपल क्लिक किया तो आपने कलर पिक हो गया, ये लास्ट वाला जो पहले इधर आपको कलर नज़र आ रहा है ऊपर, ठीक है, एक बार आपने क्लिक किया तो कलर कौन सा फिल हो गया, ये जो आपने इसे सेलेक्ट करवाया हुआ पहले, ठीक है। इसको यूज़ करने के डिफरेंट वेज, अभी हमने क्या किया, चार कलर लिए हैं, एक रिक्टेंगल लिया नीचे, तो इनको हम कर रहे हैं मर्ज कर रहे हैं या इनकी कटिंग करनी है डिफरेंट एंगल से डिफरेंट वे से। शिफ्ट टाइम से अपना टूल सेलेक्ट किया, तो अभी देखें इनके इंटरसेक्ट आपने कट करने हैं, ठीक है, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये, इसको क्या करेंगे आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, और अगर ये देखें आपके पास नज़र आ रहा हो आपको, ये आपका टूल सेलेक्टर, यहाँ पे आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है एरो के साथ, ठीक है, प्लस। अगर आप आर्ट प्रेस करें अपने कीबोर्ड से तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस, इसका मीन है कि ये अभी डिलीट करने जा रहा है कुछ पोर्शन, आर्ट से आर्ट प्रेस किया और ये पोर्शन मैंने डिलीट करना है, तो इसको एक बार क्लिक कर देंगे या ड्रैग कर देंगे, ठीक है, ये माइनस हो गया, इसको ड्रैग करना चाह रहे हैं, ये भी कट हो गया जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए हैं वहाँ तक, ये नीचे वाला और ये वाला भी, ठीक है। तो किस तरह से आपके पास ये सारे अलग अलग इनकी कटिंग हो गई है शेप बिल्डर टूल से, ठीक है। इसी तरह वापस जाते हैं कंट्रोल बी से, फिर चारों को सिलेक्ट करते हैं और वही टूल हमने सिलेक्ट किया शेप बिल्डर टूल, ठीक है। तो इसको कलर करना चाह रहे हैं, ये सर्कल को कलर करना चाह रहे हैं येलो वाला ही, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक बार इसके ऊपर ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, सॉरी कलर ये वाला है, और अपने इसको करना चाह रहे हैं ये देख, ठीक है,
सर्कल वाला कलर रेक्टेंगल को करना चाह रहे हैं, एक बार ड्रैग कर देंगे, वो इधर से कटिंग भी हो गई है और कलर भी वही हो गया। ठीक है, इसी तरह ये है कलर, क्योंकि पहले से वही पिक था इसलिए वही हो रहा है। ठीक है, ये कलर हो गया और इधर इससे इधर से कटिंग हो गई है। ठीक है, इसी तरह इसको करना चाह रहे हैं, कलर कौन सा हो रहा है जो पहले आपका पिक है वो भी आपको चेंज करना बताता हूँ वो कैसे करना है। इसको आपने कलर करना है जो पहले से सिलेक्टेड है, एक बार इधर से ड्रैग कर लें वो कलर हो जाएगा। इसको करना है ऐसे कर दें, इसको करना है तो ये आप इस तरह कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आपने चेंज करना है, एक और इसका देखें, यहाँ से आपने कट करना है, हार्ड प्रेस करें और एक बार क्लिक कर दें, यहाँ से कटिंग हो जाएगी। ठीक है, आपका अंदर वाला जो एरिया वो कट हो जाएगा, ये करना है ये करना है, जैसे भी करेंगे तो कटिंग हो जाएगी। अब ये इंडिपेंडेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ शेप बन जाएगी आपकी। इनको वापस करते हैं साइड, कट करना चाहते हैं हार्ड से, आप एक बार कर दें इसको, प्रेस करें हार्ड प्रेस करें तो कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, कलर इसमें फिल करना है। अभी देखें ये इधर आए, अगर आपके पास प्रॉपर्टीज क्यों हो रही है, प्रॉपर्टीज के नीचे अपेयरेंस ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, इधर से फिल कलर है ये चेंज करने, कोई सा भी आप इधर से कर लें, कोई न्यू कलर फिल करना चाह रहे हैं आप किसी भी जगह के ऊपर, सपोज ये ग्रीन कलर है ये सिलेक्ट किया है और इधर ग्रीन कलर हम फिल करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बार ड्रैग कर देंगे, कलर ग्रीन फिल हो गया कहाँ तक, जहाँ तक ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इधर करना ग्रीन, इधर ग्रीन, आगे इधर ग्रीन नहीं करना, आपने कोई और चेंज करना है तो पहले आप कलर चेंज कर लें, एक बार ये वाला लाइट ग्रीन करना, इधर से आगे इसको ड्रैग करना एक बार, तो ये कलर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, इसी तरह ये अंदर जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर करना है, एक बार क्लिक कर दें, कौन सा कलर, वही कलर जो आपने अभी लास्ट में सिलेक्ट किया। इसी तरह इधर करना है ये हो जाएगा, इधर करना एक बार क्लिक करना है विदाउट एनी की। ठीक है, माउस से क्लिक करें ये कलर चेंज होगा। इस तरह इधर कोई और करना चाह रहे हैं आप, पहले सिलेक्ट करवा लें और उसके बाद आप क्लिक कर दें। ठीक है, या बाहर भी करना चाह रहे हैं इधर इस साइड पे, तो एक बार क्लिक कर दें कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल जी कर, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं इसको यूज़ करने की, शेप बिल्डर टूल को। ठीक है, इसी तरह इनकी कटिंग भी हो गई है, ये देखें पार्ट्स कट भी हो गए हैं और इनको कलर भी अलग फिल हो गया, ये हर चीज़ इसने सेपरेट कर दी हुई है आपके शेप बिल्डर टूल में, ये अलग अलग सारी। ठीक है, तो कुछ और ड्रा कर लेते हैं इधर, इसको साइड पे कर देते हैं, आपने ये कुछ शेप ली है इसको कट करना है आपने, या इसको जो आपने शेड्स देखी होंगी डार्क शेड्स, यदि आपके पास से नजर आ रहा है आपको ये वाला कलर, और इसको ऊपर से आपने शेडिंग करनी है या कट करनी है, इसकी कॉपी की डुप्लीकेशन। ठीक है, कट करना है तो कट को आप इजीली कर सकते हैं, इसको जैसे इसको दोनों को सिलेक्ट किया, अपना शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट करें और इनको माइनस कर दें आल्ट प्रेस करके, जितना भी एरिया के ऊपर आप ड्रैग करेंगे वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जहाँ से भी आप करना चाहें, या आप एक बार क्लिक करेंगे तो वो कलर फिल हो जाएगा, कलर क्योंकि हमारे पास वही सिलेक्टेड था, कट भी हो गया और कलर भी फिल हो गया। दोबारा अगर आप देखना चाहें कलर फिल कौन सा हुआ है, ये अभी पहले कलर पहले सिलेक्ट करें, फिर अपना टूल शेप बिल्डर टूल और कलर हमने फिल करना है इसको, यही ग्रीन, तो अभी इसके ऊपर एक बार क्लिक करें, कटिंग भी हो गई है पार्ट की और कलर भी फिल हो गया, ये कुछ इस तरह। ठीक है, इसी तरह ये यूज़ होता है डिफरेंट शेड्स देने के लिए, आपने कोई ड्राइंग की है उसके नीचे आपको नज़र आ रही होती हैं लाइट शेड्स और डार्क शेड्स। अभी ये देखें, आपने दोनों सेलेक्ट किए, अपना टूल सेलेक्ट किया शेप बिल्डर टूल ये वाला, और इसको आपने
कलर जो है वो आपने डार्क करने, ठीक है। ये शेड्स देनी है, कोई भी शेड दे सकते हैं आप। ये इधर कलर मिक्सिंग आपके पास आरजीबी कलर्स नज़र आ रहे हैं प्रॉपर्टीज के अंदर पहले से, इनकी मिक्सिंग कुछ इस तरह। ये हम डार्क कर जा रहे हैं, तो ये कलर सेलेक्ट हो गया और इसको हम करना चाह रहे हैं डार्क, ठीक है। एक बार क्लिक कर देंगे, बाकी जो है वो इस तरह डिलीट कर देंगे, ठीक है। अगर डिफरेंट शेड्स किसी भी आपने ऑब्जेक्ट की ड्राइंग जो है कर रहे हैं उसको देनी है, या आप कोई और ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। इसको पहले कोई लाइट कलर कर लेते हैं। कॉपी की ऐसे आपको जो शेड है वो नज़र आ रही है अपनी, दोनों को सिलेक्ट किया, अपना टूल सिलेक्ट किया शेप बिल्डर, और इधर से कलर जो है वो आप डार्क की तरफ गए, ठीक है। ये मिक्सिंग इसकी डार्क कर दें थोड़ी सी यहाँ पे, खुद से भी दे सकते हैं कोई कोड देना हो या इधर से भी कर सकते हैं। तो ये आपने किया, एक बार क्लिक किया तो ये आपका न्यू शेड आ गया, ठीक है। कुछ ऐसे इसको आप डिलीट करना चाहें कर सकते हैं, तो ये आपके पास न्यू एक आ गया कुछ ऐसे, ठीक है। कट भी हो गया और कलर भी चेंज हो गया। इसी तरह आगे कोई और शेप है वो ले लें, उसका कलर चेंज करना हो आपने इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर एडजस्ट करें, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करें, अब लास्ट वाले दो को सिलेक्ट करना, अपना टूल सेलेक्ट करें और कलर और डार्क करना, आगे चेंज करना है, डार्क करना जो भी करना चाहें। ये वाला डिलीट कर दें। इस तरह ये डिफरेंट शेड्स आपको नज़र आ रही हैं, इसको मैं जूम भी कर दें। तो ये शेप बिल्डर टूल से आप डिफरेंट जो है कलर कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। ये बेसिकली कटिंग के लिए ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे और देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर डीप आपने जाना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको कट करना है ऐसे ऊपर से, इधर से नीचे से, वो कैसे करना है यही वाला ले लें। इसको यूज़ करते हुए कटिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है। कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ मैंने किया, ठीक है। इसको रोटेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी को नीचे भी रख लेते हैं, जो सा भी आपने एरिया डिलीट करना है, ठीक है। सबको सिलेक्ट किया, अपना टूल सिलेक्ट किया शेप बिल्डर टूल, और ये वाला एरिया हमने माइनस करना है, ठीक है। इसी तरह ये ऊपर वाला करना है, अभी सारा हो गया ऊपर वाला करना है। तो ये कुछ इस तरह से अगर आपने शेप्स की कटिंग करनी है उसके लिए भी ये यूज होता है, ठीक है। तो ये शेप बिल्डर टूल का एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ सा। तो ये यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। डिफरेंट शेप्स को हमने कट किया है, कंबाइन किया है, ठीक है। इसी तरह आउटलाइन के लिए है, वो भी एक बार देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। आउटलाइन के लिए आपने करना हो, शिफ्ट एक्स किया और कलर जो है वो चेंज हो गया, आउटलाइन पे आ गया। आउटलाइन पे थोड़ा सा इसका यूज जो है वो कुछ इस तरह से होगा। बिल्डर टूल जो है वो सिलेक्ट करते हैं और इसका माइनस करते हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है।
कुछ इस तरह से कटिंग हो जाएगी। ये वाला करते हैं जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ये करते हैं, ठीक है। इसको भी अलग कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाले सिलेक्ट किए पोर्शन और इनको डिलीट करना कुछ इस तरह, मतलब जहाँ पे भी इनके इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे इस तरह। और भी वेज हैं जो पाथ फाइंडर टूल आगे करेंगे उसमें भी ऐसे ही है, तो इसी तरह ये नीचे वाला आपने करना है माइनस, ये करेंगे तो कुछ इस तरह से ये निकल जाएगा पोर्शन, ठीक है। ये वाला करेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये करेंगे तो इधर साइड सारी निकल जाएगी, ठीक है। इसको इधर करना चाहें, इसको लाइन कर लेते हैं ऐसे। तो डिफरेंट जो भी आपने कट करना हो किसी स्पेसिफिक एरिया से ज्वाइन करवाना हो तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं शेप बिल्डर टूल। अच्छा एक चीज़ इसमें रहेगी, ये आपने कॉपी किया है ऑब्जेक्ट, ये सारे इसके पार्ट जो हैं वो अलग अलग पड़े हुए हैं, इसको डिलीट करते हैं तो नहीं इसको नहीं करते। ये जो इनर है इसको करते हैं, जो अंदर छोटे पार्ट्स हैं उनको, ठीक है। अभी ये जो बाहर वाले हैं इनकी इनर कलर ख़त्म करके जो आउट कलर है वो ले लेते हैं। ठीक है इसी तरह इसका सबका अलग अलग जो है ना कलर को किस तरह से ले लिया। ये ऐसे अलग अलग है सारे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये देख सारे पॉइंट्स अलग हैं, सिर्फ इनकी जो इनर कलर है वो ख़त्म किया है, ठीक है। इनको कंबाइन करना हो वो कैसे करना है, मतलब सबकी एक शेप बन जाए, ठीक है, वो पाथ फाइंडर के है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, अभी सिर्फ फिलहाल इतने रहने दें इसको शेप बिल्डर टूल को, वो नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई है कन्फ्यूजन तो वो पूछ सकते हैं। ये अभी इसकी आउटलाइन कलर हुआ पड़ा है, ये अगर ऊपर से भी देखें तो आउटलाइन है। इसको आप शिफ्ट एक्स प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, शिफ्ट एक्स, तो ये कलर फिल हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। डेक्स प्रेस कर देंगे जो इनर कलर है वो ऊपर हो जाएगा, आउटर इनर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कम हो जाता है, उसको आप बाद में ज़्यादा कर लें, ठीक है। ये अगर कलर फिल करके देखें आप, इसमें कुछ और कलर करें, अभी इसके ऊपर शिफ्ट एक्स कीबोर्ड से प्रेस करें तो ये कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ऐसे। अभी ख़त्म करना चाह रहे हैं किसी भी कलर को, ये इनर वाले को आउटर वाले को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसके डिफरेंट वेज है, इधर जा कर क्रॉस कर दें कलर ख़त्म हो जाएगा, या इसको ऊपर एक बार क्लिक करें और ये नन कर दें तब भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला इसके ऊपर क्लिक करें और इसका नन कर दें तब भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं इधर से तो यही कलर एक बार इधर ड्रैग कर दें, ठीक है, और सॉरी वही वाला ऊपर वाला आ गया कलर, ठीक है। मतलब ऊपर वाला कलर जो है इधर कॉपी करना चाह रहे हैं दोनों को एक दूसरे के साथ, वो इधर से आप कर सकते हैं। मतलब पहले आउटलाइन लगी हुई है ब्लू कलर की, उसको आप यही करना चाह रहे हैं येलो, उसको इधर ड्रैग कर दें तो इधर से भी येलो हो जाएगा, या फिर ये वाला जो ग्रीन है इसको इधर लेके जाएं तो पूरा ये चेंज हो जाएगा। बाउंड्री भी वही कलर की हो गई है, आउटलाइन और फिल भी वही हो गया, ठीक है। इधर से ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये शेप बिल्डर टूल जो है काफ़ी इसका यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इसका ड्राइंग के अंदर, तो ये सबको क्लियर होना चाहिए।